मैंने एस्ट्रोलॉग से ये कोर्स सीखा है एस्ट्रोलॉजी का, और काफ़ी एक्चुअली ये वैदिक पद्धति है, प्राचीन पद्धति है एस्ट्रोलॉजी की, और इसके प्रति जो रुझान है मेरा पहले भी था सीखने का, और मैंने कई जगह सीखा भी, बट मुझे मज़ा नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि सब लोगों ने एक दुकान खोल रखी है इसके लिए, किसी को उसका ज्ञान नहीं है, सिर्फ एक उसके नाम पे लोगों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब मैं एस्ट्रोलॉग सर से मिला, आलोक सर से प्रॉपर, तो मुझे उन्होंने साइंटिफिकली इसको बताया कि कैसे इसको समझते हैं, इसके एक्चुअली ये ऑकल्ट साइंस है, गुप्त विज्ञान है, तो इसको समझना वैसे भी मुश्किल है, लेकिन जब इन्होंने साइंटिफिकली समझाया मुझे प्राचीन जो वैदिक पद्धति है, तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा, और मुझे इसको ऐसा लगा कि साइंस है वाकई में। जो पहले मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मैं कहीं जगह गया था तो वहाँ लगा कि एक दुकान चल रही, किसी को नॉलेज नहीं था, बट सर को काफ़ी नॉलेज भी है, उन्होंने जब हमें सिखाया तो हमें भी कॉन्फिडेंस आया, और इस विज्ञान के प्रति जो रुझान था वो और बढ़ता गया, और आज मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ एस्ट्रोलॉग से सीख के। पहले मैं जब जितने भी लोगों से सीखने गया वहाँ मैंने टाइम भी दिया, पैसा भी दिया, लेकिन जब टाइम गुजर जाने के बाद तब भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये विज्ञान नहीं है, ये उसके नाम पे आडंबर पे अपना दुकान चला रहे हैं और सब काम कर रहे हैं, तो मेरा विश्वास एस्ट्रोलॉजी से कम हो रहा था। लेकिन जब मैं आलोक सर से मिला और इस पद्धति के बारे में समझा, जिसे कहते हैं प्राचीन वैदिक पद्धति हमारी, तो मुझे उन्होंने जब समझाया, कुछ कॉन्सेप्ट बताया, एक एग्जाम्पल लेके, तो मुझे लगा नहीं वाकई में सर को काफ़ी नॉलेज है और काफ़ी अच्छे से सिखाएंगे। तो जब मैंने एडमिशन लिया, कोर्स पूरा करा, तो जब मैं कोर्स पूरा करने के बाद जब मैं प्रैक्टिस करने लगा सीखने के, तो मुझे लगा कि नहीं, मतलब सर के सिखाने से तभी कॉन्फिडेंस आ गया था, बट जब मैं कोर्स करने के बाद मेरे में फुल कॉन्फिडेंस आ गया और इस पद्धति के प्रति विश्वास भी बढ़ गया। आलोक सर का जो नॉलेज था, सर ने उसमें कहीं भी कमी नहीं करी, कुछ हाइड करा, मतलब अपना पूरा नॉलेज को शेयर करा है, और यह जरूरी है क्योंकि आजकल लोग नॉलेज होते हुए भी शेयरिंग नहीं करते, बट सर ने वहाँ कहीं हाथ नहीं रोका, अपना पूरा नॉलेज दिया हमें, और ये ऐसा विज्ञान है कि सर ने हमें तैरना सिखा दिया, अब उसके बाद जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम और विज्ञान इस पर हमारी पकड़ बढ़ती जाएगी। तो सर सीखने के बाद भी मैंने उसके बाद प्रैक्टिस भी शुरू करी, कुछ किताबें भी पढ़ी, आगे भी पढ़ रहा हूँ, और वो जरूरी है पढ़ते रहना आपको, क्योंकि ये ओकल्ट साइंस है, गुप्त विज्ञान, इसमें जितना आप पढ़ोगे उतना आप पारंगत होते जाओगे, क्योंकि ये रहस्यमय विज्ञान है। और वैदिक पद्धति जो सर सिखाते हैं वो मेरे को लगता है कि वो बिल्कुल सटीक बैठती है, मतलब उसके प्रेडिक्शंस काफ़ी अच्छे आते हैं और रेमेडी भी उसकी काफ़ी सटीक है। ऐसा नहीं कि टोना टोटका करवाते हैं या जादू टोना, मतलब ये ऐसा कि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और इस पद्धति के द्वारा काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, प्रिडिक्शन भी मिले हैं और रेमेडीज भी काफ़ी अच्छी है। सर की मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, और इवन मेरे ऑफिस में सर का जो भी है मैं बताता हूँ कि मैंने सर से सीखा है, ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिले, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इसमें आए वो उतना इसको फैलाएंगे और लोगों का विश्वास बढ़ेगा एस्ट्रोलॉजी पर। मैं स्वयं 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उसके लोगों का काफ़ी उसके लाभ भी मिला है, अच्छे रिजल्ट्स भी आए, और वैदिक पद्धति पे मेरा लोगों का भी विश्वास बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉग ही इंदौर में एक ऐसा कॉलेज है जो मेरे को समझ में आता है, MP में, जो प्राचीन वैदिक पद्धति से पढ़ा रहे हैं और लोगों को उसका लाभ मिलेगा।